दोस्तों बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब सर्ट पर। दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है एसएससी की तरफ से। फेज़ 9 रिक्रूटमेंट जो है वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गई दोस्तों। और परमानेंट जॉब है, फ्रेशर जॉब है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी पोस्ट है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। कैसे सिलेक्शन होगा, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। एसएससी फेज़ 9 की जॉब है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, आज एक दिन अपलोड हुआ है एसएससी फेज़ 9 सिलेक्शन पोस्ट, जो कि आज से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। 25 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और ऑफलाइन चलान के थ्रू भी कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। बहुत बड़ी पीडीएफ है, मेन मेन मार्ट हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो दिया गया फेज मतलब भरने का तरीका कि ST, ST, OBC एज रिलेक्सेशन देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी लगभग 70 पेज का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन हम मेन मेन चीज़ें जो है यहाँ पे देखेंगे। तो OBC सर्टिफिकेट की बात की गई है, EW सर्टिफिकेट, बिल्कुल डिटेल सिलेबस आता है SSC का जब भी आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो मेन मेन चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। एज देख लीजिए, एज लिमिट जो है 1/1/2021 से देखी जाएगी। प्रूफ ऑफ बर्थ यानी आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। हर एक चीज़ बिल्कुल मैंडेटरी और डिटेल में बताई गई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 40 साल तक आप भर सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉय जो है। और सेंट्रल यहाँ पे है विडो वुमेंस के लिए बताया गया 35 साल, ऐसे जो है ग्रुप सी पोस्ट ओनली के लिए, ठीक है, डायरेक्ट बस ग्रुप सी के लिए ये सब एप्लीकेंट्स है वगैरह वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज कट ऑफ की बात की गई है 1/1/2021 से आपकी ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, ये बातें हैं यहाँ पे। तो जो फाइनली में वो अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, जो पास आउट होना जरूरी है। क्या क्वालिफिकेशन है किसके लिए, डिग्री बोला गया है, अनलेस सच डिग्री आज इकोनॉइड द रिलेवेंट पीरियड्स, ठीक है। तो यानी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा सभी पोस्ट के लिए। इसकी बात करें तो मात्र 100 रुपये है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। आप भीम UPI नेट बैंकिंग से आप जो है 28 अक्टूबर तक भर सकते हैं, ऑफलाइन चलाने के माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपने SSC दिया होगा तो मालूम होगा कि सेंट्रल रीजन है यहाँ पे, नॉर्थ रीजन है, सब अलग अलग बनता है। सेंट्रल मतलब बात दिया गया है उत्तर प्रदेश बिहार को सेंट्रल रीजन में आता है, बाकी यहाँ पर अपना अलग अलग होता है हर स्टेट का, ईस्टर्न रीजन, केरला, कर्नाटका सब वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पर सभी रीजन बांट दिए जाते हैं। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन देखिए ये कैसे होगा आपका। तो यहाँ पे Level 3, Level 4 है, तो जनरल पहला जो पार्ट होगा, तो यहाँ बोला देयर आर 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, 3 साफ साफ बोला गया, 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम जो है मैट्रिकुलेशन 10वीं पास 12वीं पास, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस के लिए यानी रीजनिंग के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 60 नंबर होगा, और 80 मिनट जो है PWD कैंडिडेट को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ बेसिक अर्थमेटिक स्केल है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज का 25 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, और निगेटिव मार्किंग। अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बताइए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसका डिटेल सिलेबस। और जो है सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंजीनियर शुभम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैथ यानी आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस की तैयारी के लिए जो है काफ़ी सटीक है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने उस चैनल में बताई, जरूर से देखिएगा। इसके बाद आपका जो है दोस्तों CBT एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए, डेटा एंट्री वाले जो पोस्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इस तरह से आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेंटेटिव आंसर की जो है मिल जाएगी काफ़ी जल्दी है यहाँ पे। इंडिकेटिव सिलेबस भी बता दिया गया है कि इंटेलिजेंस में क्या क्या आएगा, अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। 10+2 लेवल वालों के लिए भी यहाँ पे जॉब है, 12वीं पास के लिए जनरल, तो ये सबका भी अलग अलग दिया गया है, उनका लेवल कुछ कम रहने वाला है। ग्रेजुएशन है उनके लिए अलग से सिलेबस है, तो इस तरह से बातें बताई गई हैं। बोला गया आल कैंडिडेट हु रजिस्टर देमसेल्फ रिस्पॉन्स फॉर एडवर्टाइजमेंट बाई क्लोजिंग डेट एंड द एप्लीकेंट फाउंड टू बी ऑर्डर इन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, मतलब क्लोजिंग डेट के एग्जाम के अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप भी अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ें बोली गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छा मौका है यहाँ पे, तो अगर आपका अक्टूबर तक रिजल्ट आ भी जाता है, 1-2 दिन पहले भी आ जाता है, तब भी आप किसी कारण से फंसा हुआ हो आप अप्लाई कर पाएंगे। आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड कोई भी हो आपका चलेगा, ये सब चीज़ें एग्जाम के समय चेंज चेक की जाएगी, बायोमेट्रिक लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, मेडिकल भी होगा इस पोस्ट में, तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ें हैं। एग्जाम प्रोसीजर बताया गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, रोल नंबर है और फोटोग्राफ्स, अपसेक्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल, ये सब चीज़ें हैं। तो इसी पार में बिल्कुल डिटेल में दिया गया है इस PDF में। आगे बढ़ते हैं,
क्वालिफाई करने के लिए युवा को 35% लाना होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो है 30%, अदर कैटेगरी को 25% लाना होगा। एक सीट पे जो है यहाँ पे बोला गया है 20 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, 1:20 बोला गया, फॉर अप टू 5 वैकेंसी फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। ये चीज़ें बोली गई हैं तो अच्छा है। और कितनी सीटें हैं अभी तो ये नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। एसएससी हमेशा ऐसा ही करती है, जब भी सीटें आती है अभी डिक्लेयर नहीं करती है, वैसे इसमें ज़्यादा ही सीट आएंगी। सबसे बड़ी बात, फॉर्म जब भी भरिएगा ध्यान से भरिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा और उस फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड भी आप संभाल के ही अपने पास वो संभाल कर रखिएगा। डेवी के समय जो है ये सब मांगी जाती है, बहुत से स्टूडेंट लापरवाही करते छोड़ देते हैं। जितने भी जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट जो भी होंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट, सब सेंटर लेवल का ही चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय। इधर उधर से मत करिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब बताया गया है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन होगा कोई भी तो आप डायरेक्ट लॉग इन करके उस फॉर्म को भर सकते हैं एसएससी वाले, ठीक है। पहले कुछ भी फॉर्म भरा होगा किसी भी कैटेगरी में, आप उसको डायरेक्ट लॉग इन करिएगा, वहाँ से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी होंगी, देख लीजिएगा। आपको डायरेक्ट फिर से जो है रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार डिटेल एक एक दो दो बार भरना होता है, ठीक है। फोटो किस तरह का होना चाहिए इसमें यह भी बताया गया है, तो इस तरह से मत फोटो लगाइए, ओके अलाउड है, इस तरह का फोटो जो है चलेगा। और ब्लर वगैरह हो, आधा कटा हो सर, इस टाइप का फोटो लगाएंगे तो कैंसिल हो जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, डार्क भी ना हो, इनवर्स फोटो ना हो, गॉगल भी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल फॉर्मेट में दे दी गई, कैप के साथ भी ना हो, ठीक है। और तो इस तरह से होना चाहिए आपका फोटो। ये सीटें हैं अभी टोटल कितनी हैं, तो पहला है जूनियर सीट एनालिसिस, नेशनल सीव है, यहाँ पे ग्रेजुएशन एबब के लिए है। सारी पोस्टें देख सकते हैं, कोड दिया गया है CR10121। कोड बहुत ज़रूरी है, किस पोस्ट के आप अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 30 एज सबकी दी गई है, जितनी भी मैक्सिमम एज है। अगर SC होंगे तो ST 5 साल की छूट मिलेगी, अगर जनरल मतलब जनरल होंगे तो एज में छूट नहीं मिलती है। EWS के लिए, OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस लेवल दिया गया है, 6 लेवल 4 लेवल। तो ये है अकाउंटेंट की पोस्ट है, जितने भी मेरे टाइपिंग वाले पोस्ट है, क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, सब में टाइपिंग मांगता है इसमें, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट आते हैं, एडिटर वगैरह, हिंदी MTS वाले पोस्ट में मेट्रिकुलेशन वाले अप्लाई कर पाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सीटें अच्छी हैं, ठीक है, अप्लाई करिएगा, बिल्कुल ज़रूर से करिएगा, सबके लिए मौका है। मेट्रिकुलेशन 12वीं पास, ग्रेजुएशन वाले बब के लिए है, उससे ज़्यादा मेट्रिकुलेशन वाले देख सकते हैं, जिसमें MTS है, फील्ड अटेंडेंट MTS है, मेट्रिकुलेशन के लिए है, 10+2 वाले में फोटोग्राफर के लिए है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए है, ग्रेजुएशन के लिए है, बहुत सारे पोस्ट हैं, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, उसके बाद मास्टर्स क्राफ्ट्समैन, SSC, बहुत सारे पोस्ट आते हैं। MTS में बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से देख के भरिएगा, ठीक है। और टेक्निकल सबका 2-2 एग्ज़ाम होगा। MTS में जो है आपका जो 10वीं पास में है उसमें टाइपिंग नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी पोस्ट दिए गए हैं, आप अपना देख के, अपना एलिजिबिलिटी कंडीशन देख के अलग अलग पोस्ट के लिए भी एक फॉर्म में आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। हायर सेकेंडरी 10+2 सबके लिए है, हर साल आता है ये पोस्ट। तो यह बहुत सारी वैकेंसीज है, अपने हिसाब से चेक करके आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हों भर दीजिएगा। सबका टोटल की बात करें तो नीचे देखते हैं क्या दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैटेगरीज वाइज दी गई है, टोटल 3261 पोस्ट फिलहाल में अभी दिखा रहा है, हो सकता है मॉडिफिकेशन या जो भी हो। कैटेगरीज वाइज सीटें हैं, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, ये सब तरह चीज़ें दी गई हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा अपना, ठीक है। 400 यहाँ पर देखिए 3261 सीटें टोटल दिखाई दे रही है अभी तक में, हो सकता है मॉडिफिकेशन हो, कुछ चेंज हो या कुछ बदल दिया जाए, घट जाए या बढ़ जाए, तो मैक्सिमम केस में बढ़ता ही है, तो ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, कुछ भी डाउट होगा बताइएगा। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।